मेरठ की जिला जेल में कैदी भी बड़े उत्साह से तिरंगा तैयार करने में लगे हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के महोत्सव में यह भी अपना योगदान देना चाहते हैं, जिसके चलते मेरठ के जिला कारागार के कैदी तिरंगा तैयार कर रहे हैं। मेरठ की जिला जेल में इस समय सैकड़ों सिलाई मशीन पर कैदी इस अभियान को पूरा करने में लगे हैं। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला जेल के कैदी तिरंगा बनाने में जोर शोर से लगे हैं। जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत जो भी यहां पर उत्पादन होगा वो ग्रामीण वासियों को और जो मुलाकात करने आते हैं उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। यह अभियान 11 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। 30 बंदी और 10 महिलाएं इस प्रयोजन में लगी हुई हैं और उनमें बहुत उत्साह है। उत्साह इतना है कि वो देशभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर के वो निःशुल्क ये झंडे बनाने का कार्य वो कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क उनको दिए नहीं होगा। कितने झंडे बनेंगे CDO सर ने 10,000 झंडे का टारगेट दिया है और यदि इससे बढ़ाया भी जाता है तो भी हम बनाने के लिए तैयार हैं। जितने का टारगेट हमको मिलेगा मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और सीमित समय में ही उनको पूर्ण करके जैसे 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का ये प्रयोजन है उसमें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जेल में जो कैदी बंद हैं उनके परिजनों को भी झंडे बांटे जाएंगे? हाँ, लेकिन निःशुल्क नहीं दिए जाएंगे। उनको मोटिवेट किया जाएगा, जो मुलाकात करने आते हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने घर में गाँव में जहाँ भी रहते हैं वो तिरंगा ले जा करके और अपने घर पे वो फहराएंगे। जो मुलाकाती आएंगे उनको भी तिरंगा दिया जाएगा? अवश्य दिया जाएगा, लेकिन निःशुल्क नहीं दिया जाएगा। सर किस तरह से आगे आ रहे हैं, और भी कुछ बंदी आगे आ रहे होंगे इस तरह से तिरंगा तैयार? हाँ, 30 इस समय फिलहाल 30 बंदी हैं, 30 पुरुष बंदी हैं और 10 महिलाएं हैं। कोई कास्ट निर्धारित और ये सभी अपने मन से बिना किसी बिल्कुल अपने हाँ अपनी स्वेच्छा से ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और सिलाई कार्यक्रम में मनोयोग से जुड़े हुए हैं। निःशुल्क कर रहे जी। जिन बंदियों को टेलरिंग आती है जो सिलाई के कार्य में दक्ष है वही तिरंगा बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं? जी हाँ, वही बंदी कार्य इस कार्य में लगे हैं। और सबसे अच्छी बात तो आप ये बता रहे हैं कि मुलाकातियों को भी मोटिवेट किया जा रहा है, जो भी मिलने के लिए आ रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि भाई आप न सिर्फ अपने यहाँ तिरंगा फहराएं बल्कि अपने आस पड़ोस अपने गाँव में भी लोगों को जागरूक करें। लगभग 300 लोग डेली मुलाकात करने आते हैं, संडे को संख्या ज़्यादा हो जाती है। उन सभी को मोटिवेट किया जा रहा है कि अपने घर पे ये जो अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख के मध्य में अपने घर पर भी वो तिरंगा लगाएंगे। इस योजना के बारे में आइए जानते हैं CDO सुशांत चौधरी से। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर क्या गति चल रही है? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जनपद मेरठ का कुल लक्ष्य 5 लाख घरों के हिसाब से हमें झंडे लगवाने हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न विभागों की मीटिंग की थी। जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई थी उसमें सभी विभागों के लोग थे, तो शुरू से ही हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जहाँ भी यथासंभव हम एक तो तिरंगा अभियान के अंतर्गत जितना हो सके हम घरों को कवर करेंगे, साथ ही जितने भी हमारे सोशल सर्विस के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जितना हम तिरंगा अभियान के माध्यम से उनकी आमदनी करा सकें उसी के मूल उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अलग अलग विभागों को इसमें झंडे बनाने के टारगेट्स दिए थे, जिसमें कारागार विभाग एक बहुत बड़ा इसमें इन्होंने काम किया है।